नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में जनपद के पर्यटन क्षेत्र नामिक खलिया टॉप, सालंग, नंदा देवी बेस कैंप, पंचाजुली बेस कैंप, जिम्बा ग्लेशियर, सिनला बाईपास के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित ट्रैकर रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया गया है। यह जानकारी देते हुए ADM FR चौहान ने बताया कि इस पोर्टल पर पर्यटकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। टूरिस्ट को रजिस्ट्रेशन की डिटेल SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। बताया कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की जांच के उपरांत ही पर्यटकों को संबंधित क्षेत्रों में जाने दिया जाएगा। उन्होंने पर्यटकों से जनपद भ्रमण पर आने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन ट्रैकर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराने को कहा है। पिथौरागढ़ के बौना गांव के लिए मुंशियारी CSC से भेजी गई दवाएं खेतों में पड़ी मिलने पर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच की मांग की है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम दानव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जिलाधिकारी से जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी के पूर्वानुमान के मद्देनज़र जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा कल शुक्रवार को जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश की घोषणा की है। साथ ही भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली के सिरतोली में बन रहे पावर प्रोजेक्ट के विरोध में आज भीम आर्मी के दीपक बौद्ध की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के निकट आक्रोश व्यक्त करते हुए टकाना रामला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीणों की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए शीघ्र प्रोजेक्ट का कार्य बंद नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि साल पहले वहाँ रोड काटी गई, वहाँ कुटानी पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक ये जनता के जहन तक नहीं पहुँच पाया। जब सिरसोली ग्रामवासियों ने हमें वहाँ बुलाया गया तो हम उस गाँव में गए। गाँव में जाने के बाद गाँव वालों को हमने बताया, गाँव वालों ने अपनी समस्या रखी। उसके बाद हम लोग DM साहब से, एक महीने 30 अगस्त को हम DM साहब से मिले थे और DM सर से हमने ये मांग रखी थी, 3 सूत्री मांगे रखी थी कि हमारी मांगें पूरी करें। और DM साहब ने बोला था कि हमसे वहाँ पे, तो उन्होंने बोल दिया हमें चुप कराने के लिए, उन्होंने बोल दिया कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ और उस कमेटी वो जाँच करेगी 1 महीने के अंदर। लेकिन वो कमेटी का अभी तक कोई पता नहीं है, वो कमेटी अभी तक कुछ बनी नहीं है। और आज से भीम आर्मी और सिरसोली ग्रामवासी यहाँ निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। पिथौरागढ़ के धारचूला मोटर मार्ग में नैनीपाथल के निकट मैक्स और एक कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार पति और पत्नी को हल्की चोटें आई हैं। कार चला रहे हुकुम सिंह ने जजर देवल थाने में मैक्स चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।